18 मई 1965 सीरिया के डेमस्कस शहर में मर्जे स्क्वायर के बीचों बीच करीब 10,000 लोगों के सामने एक व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया गया, जिनका नाम था कामिल आमिन थाबित, जिनके बारे में इल्जाम था कि वो असल में एक इजरायली जासूस है, जिनका असली नाम था एली कोहेन, जो सच में 1961 से लेकर 1965 तक करीब 4 साल सीरिया में एक अंडरकवर जासूस के तौर पे रिक्रूटेड थे। एली कोहेन उर्फ कामिल आमिन थाबित इन 4 सालों में इसराइल को सीरिया के सभी डिफेंस, मिलिट्री टैक्टिक्स और पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में खबर करता था, जिससे इसराइल 1967 में सीरिया को द 6-डे वॉर में हराया भी था। तो कैसे एक इजरायली नागरिक होकर एली कोहेन सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री में दाखिल हो गया और आसपास के सभी लोगों से छुपाते हुए वो 4 साल तक अपना जासूसी काम जारी रखा, तो आज इसी शख्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके जिंदगी के कुछ अनकही घटनाएं। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, ये है आउट ऑफ सिलेबस। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में एक जीविश परिवार में इलियाहू बेन शॉल कोहेन या एली कोहेन का जन्म हुआ था 1924 में। इजिप्ट में उस वक्त एंटी जीविश मूवमेंट के वजह से सभी जीविश परिवार के लोग इजिप्ट छोड़के पड़ोसी देश इजराइल में जा रहे थे। एली कोहेन का भी परिवार जीविश होने के नाते इजराइल में उन लोगों को भी जाना पड़ा, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एली कोहेन इजिप्ट में रह गए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिग्री खत्म करने के लिए। बाद में 1956 में बहुत सारे बाकी जीविश फैमिली के साथ एली कोहेन को भी इजिप्ट छोड़ के इसराइल उनके फैमिली के पास जाना पड़ा। इसराइल में आने के बाद ही उसी साल वो इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ज्वाइन कर लिए, लेकिन एली कोहेन का टारगेट कुछ और ही था। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करते करते मोसाड ज्वाइन करने की कोशिश की। मोसाड इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी था, जो आज भी दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है, लेकिन एली कोहेन की पहली कुछ कोशिशें नाकाम हुई और इस दौरान नदिया मजल्त बोल के एक लड़की के साथ शादी हुई और वो दोनों बत याम नाम के एक कोस्टल सिटी में सेटल्ड हो गए। एली कोहेन के लाइफ में उनका पहला ब्रेक थ्रू मिला साल 1960 में, क्योंकि उसी साल मोसाड के तरफ से एली कोहेन को एक स्पेशल एजेंट के तौर पे एक नए मिशन के लिए रिक्रूट किया गया। उनका काम था अर्जेंटीना में खुद को एक सीरियन बिजनेसमैन बनकर वहां के सभी सीरियन पॉलिटिशियन और मिलिट्री के कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट न्यूज को इसराइल तक पहुंचाना। इसके लिए करीब 1.5 साल उनको कई तरह के ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा और इसके साथ साथ सीरिया के लोग जैसे अरेबिक बोलते हैं ठीक उसी एक्सेंट को फॉलो करके उनको बात करने का ट्रेनिंग भी दी गई। 1961 में कामिल आमिन थाबित नाम से एली कोहेन अर्जेंटीना में चले गए और कुछ ही महीनों में वहां के सीरियन कम्युनिटी के अंदर अपनी पहचान बना लिए। वहां के सभी लोग कामिल आमिन थाबित उर्फ एली कोहेन को एक बिजनेसमैन के तौर पे पहचानने लगा था। अर्जेंटीना में मोसाड के तरफ से जो फंडिंग या पैसा भेजा जाता था उससे वहां के हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस और मिलिट्री ऑफिसर्स को खुश करने के लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज किया जाता था, जहां 3 चीज शराब, जुआ और लड़की हर वक्त उपलब्ध था। इस तरह कई ऑफिसर्स से उनका अच्छा संबंध बना। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट थे अमीन आल हफिज, जो आगे चल के सीरिया के प्रेसिडेंट बने थे और 1962 में इन्हीं के सहायता से सीरिया के डेमस्कस शहर में एली कोहेन अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का झूठा बिजनेस खोल लिया और इस तरह सीरिया के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को खुश करके पैसा खिला के पार्टियां देके वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में बहुत सी जानकारियां इसराइल तक पहुंचाने लगे। एली कोहेन और इसराइल की इंटेलिजेंस मोसाड के बीच
कम्युनिकेशन के तौर पे सबसे ज्यादा यूज होता था रेडियो ट्रांसमीटर, जिनसे कई सारे सीक्रेट मैसेजेस एनकोड करके या कोड वर्ड यूज करके वो मोसाड से कॉन्टैक्ट करते थे, और हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स जैसे सीक्रेट फाइल या तस्वीर के नेगेटिव्स वो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पार्सल में भर के इसराइल पहुंचाते थे। इस तरह 2.5 साल काम करने के बाद सीरियन इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में एक नए ऑफिसर आए जो एली कोहेन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी दौरान 1964 में एली कोहेन अपने परिवार से मिलने के लिए इसराइल में आए और उनसे सीरिया में और ज्यादा दिन तक अंडरकवर होके काम करना मुश्किल है ये बात भी मोसाद को पता चला। लेकिन वो लोग फिर से एली कोहेन को सीरिया जाने के लिए रिक्वेस्ट किया और फिर से एली कोहेन को सीरिया भेजा गया। लेकिन इस बार सीरिया के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रेडियो सिग्नल ट्रेस करने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठे थे, और इसकी वजह से एली कोहेन को इसराइल में रेडियो मैसेज भेजते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद शुरू हुआ इंटरोगेशन और टॉर्चर। लेकिन अपने देश के लिए सब कुछ सहते हुए एली कोहेन कोई भी इंफॉर्मेशन सीरिया के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को नहीं दिया। इसके बाद सीरियन गवर्नमेंट के तरफ से एली कोहेन को सेंटेंस टू डेथ या फांसी की सजा सुनाई गई। उस वक्त इसराइल के तरफ से बहुत कोशिश किया गया था एली कोहेन को अपने देश लाने के लिए। यहाँ तक ये बात यूनाइटेड नेशंस को भी बताया गया, और उस वक्त के दुनिया भर से कई सारे पावरफुल लीडर्स भी एली कोहेन को वापस इसराइल लाने के लिए सीरिया को रिक्वेस्ट किए थे। लेकिन इसके बावजूद 18 मई एली कोहेन को पब्लिक के सामने फांसी दे दिया गया। इस घटना के बाद एली कोहेन इसराइल में एक नेशनल हीरो बन गए। इसराइल के कई शहर सड़कें एली कोहेन के नाम से पहचाने गए। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी एली कोहेन की बॉडी सीरिया से वापस नहीं किया गया। इसके साथ साथ उनके अस्थियां भी उनके परिवार वालों के हाथ नहीं दिया गया। फांसी होने के 3 दिन पहले 15 मई को एली कोहेन आखिरी बार के लिए अपने परिवार को एक लेटर लिखे थे। इसके अलावा एली कोहेन की कोई भी चीज, कोई भी निशानी उनके परिवार को नहीं दिया गया। सूत्रों के अनुसार उस वक्त एली कोहेन की तरह कई सारे जासूस इसराइल से सीरिया में रिक्रूटेड थे, और सबका काम भी अलग अलग था। उनमें से बाद में सबसे फेमस हुए एली कोहेन। उनके काम करने का तरीका और उनकी देशभक्ति के बारे में आज इसराइल में सभी जानते हैं, और इसीलिए आज तक एली कोहेन को मोसाद के सबसे बेस्ट स्पाई माना जाता है। वीडियो को लेकर अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आउट ऑफ सिलेबस को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ।